So hey guys, Assalamualaikum, Namaste, Sasri Akal. This is Amir Sheikh and welcome back to my channel. तो गाइस ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों भी बाहर ही है, कोई न्यूज़ देख नहीं सकता. YouTube पर अगर बैठे होगे तो लोगों को कम से कम एक हेल्प मिल जाएगी कि हाँ, क्योंकि YouTube अभी चेक कर रहा था मैं तो किसी ने भी ये वीडियो बनाया ही नहीं यार, इसके ऊपर तो बनाना चाहिए था. पता है एज अ ब्लॉगर मेरा काम है कि ये वीडियो बनाऊँ मैं और वहाँ जाके बनाऊँ, लेकिन अभी मैं वहाँ जा नहीं सकता, इतनी बारिश है और इतनी ट्रैफिक रहेगी कि मेरे को जाने भी नहीं मिलेगा और वो ब्रिज बंद कर चुके हैं. तो मैं बताता हूँ मैं कौन से ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूँ. देखो यहाँ से तादाद में जो रेलवे में जो सफर कर रहे हैं वो जहाँ थे वहाँ पर ही ट्रेन में फंसे हुए, विराट ट्रेन में आपको हिलने का मौका नहीं मिलता. और इस तरीके से जो रेलवे लाइन बंद हुई है उन यात्रियों की समस्या आप देखें कि किस तरीके से वो ट्रेन में जहाँ थे वहाँ पर ही फंसे हुए और अब वो रेलवे ट्रैक पर आना शुरू हो गए. उन लोग ट्रेन में से कूद कर वो रेलवे ट्रैक पर आते हैं. फिर से आपको जो राहत की राहत काम में जो तस्वीरें हैं वो सीधी आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी भी हाथ से काम किया जा रहा है. इतना बड़ा ये शहर है मुंबई का, तो विकल्प होने चाहिए थे. ऐसा कुछ अगर जो हो तो कुछ तरीके की मशीनरी को यूज इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के हादसे में, लेकिन जो है वो तस का तस है. 7:30 बजे का ये इंसिडेंट हुआ है. जो जिस तरीके से जो तेजी से जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. 1.5 घंटा अब बीत चुका है. उसके बाद तो यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची और उसके पहले पुलिस की वैन में जो घायल है उनको ले जाया गया. अब यहाँ पर भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुका है. तो शायद राहत और बचाव के काम को काफी डिफिकल्टीज होगी. इस ब्रिज को तो पूरी तरीके से बंद कर दिया है पुलिस ने, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है और उनको जल्द से जल्द बचाया जाना चाहिए, नहीं तो शायद काफी देर हो जाएगी और शायद कुछ लोगों के साथ में जान भी चली जाएगी. सौरभ, जिस मशीनरी का आप जिक्र कर रहे थे आपने ही ये जानकारी दी कि वहाँ पर इस तरह की मशीनरी का पहुँचना संभव नहीं हो पा रहा है, मुमकिन नहीं, क्योंकि आसपास रेलवे की दीवार है जिस वजह से राहत और बचाव का काम हाथ से ही किया जा रहा है. ऐसे में क्या विकल्प है जिससे ये राहत का जो काम है वो गति पकड़े और जो अंदर मलबे में लोग फंसे हैं उनकी जान बचाई जा सके? क्या कह रहा है वहाँ का प्रशासन और जो लोग वहाँ पर राहत और बचाव में जुटे हुए हैं? और साथ ही हम आपसे वहाँ की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको भी समझना चाहेंगे. एक तरफ आप बता रहे हैं रिहायशी इलाका है, दूसरी तरफ दो स्कूल है. ये जो फुटओवर ब्रिज है ये इन दोनों जगहों के बीच से होकर गुजरता है. क्या स्थिति है इस वक्त वहाँ? 7:30 बजे और आप देख सकते किस तरीके से पूरा का पूरा ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो वेस्टर्न रेलवे लाइन पर गिर चुका है. जितनी भी तारे हैं और पोल्स हैं वो पूरी पूरी तरीके से उखड़ चुकी है. जो वेस्टर्न लाइन है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है. बहुत बड़ा ये हादसा ये जो गोखले. अरे पावड़ा काट दो यार तू, क्या दिख रहा है क्या? अरे क्या छाता में देखना भाई, छाता में देखना, छाता और एक ऑरेंज छाता है इधर. ए पुलिस गेला है, ये भी नीचे जाएगा. हां हां चलो रे, ए चलो रे. ये हो चुका है आज मुंबई में. सो देखे ये हो चुका है, ब्रिज गिर चुका है मुंबई में. JBPD के रास्ते से जाते थे वहाँ पे, तो मैं तो वहाँ पे सब्जाबाई जी के वहाँ पे इनाया के वहाँ पे जाता था. मेरी बहन है तो कुर्ला आने के टाइम में वहीं से जाता हूँ हमेशा, मतलब महीने में एक बार तो हो ही जाता. तो दुख हुआ, मतलब वो ब्रिज 70-80 साल पुराना ब्रिज है, वो यार बनाना चाहिए. ऐसे तो लोग बना देते हर एक चीज़ पे वीडियो, अभी ये है तो इस पर नहीं बना सकते वीडियो. इस पर भी बनाना चाहिए ना आप लोग को वीडियो. हर चीज़ हर टॉपिक के ऊपर आप बना देते हो, हर न्यूज़ के ऊपर बना देते हो, तो ये चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बना रहे हो? ये चीज़ के ऊपर भी बनाओ यार, बनाओ. मैं तो अभी वही चेक कर रहा था कि अगर बना चुके होंगे तो मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो मतलब खाली घूमने फिरने का काम है, मेरा ये न्यूज़ वगैरह का काम है नहीं. लेकिन यार जब एक भी वीडियो नहीं दिखी ना मुझे, तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं, बाहर हो गए कुछ हो गए तो न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ये बना देता हूँ, बना के डाल देता हूँ तब, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पे भी
रहेंगे व्हाट्सएप पे, आप शेयर कर सकते हो ये, अगर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो तो करो, और पता होने दो सब लोगों को। 7:30 बजे ये ब्रिज गिरा है और बोल रहे हैं कि अंधेरी से विराट तक की जो ट्रेन है वो ज़्यादातर के बहुत लेट लेट होगी, घंटों घंटों लेट हो जाएगी, तो यू हैव टू वेट फॉर आवर्स, और ब्रिज उठाने में भी टाइम लग जाएगा, और ब्रिज के नीचे अभी भी बोल रहे हैं कि 7 से 8 जन दबे हुए हैं, 2 जन को निकाल लिए हैं। तो यार अगर किसी की फैमिली में से ये है, इसका कॉल नहीं लग रहा है, तो यार प्लीज़ आप जाके चेक करो कौन सा हॉस्पिटल में क्या है। मेरे डैडी भी गए नहीं आज जॉब पे, क्योंकि मम्मी ने जान दिए नहीं उनको, उसके बाद ही डैडी निकलने वाले थे, 8 बजे निकलने वाले थे डैडी, नहीं जाने दिए। तो यार गाइस बी एट योर होम, बी सेफ, प्लीज डोंट गो एनीवेयर, प्लीज गाइस प्लीज ट्राई करो कहीं पर भी मत जाओ। तो ये देखो अभी इतनी बारिश, इतनी सी बारिश हुई, इतनी भी नहीं है, इतनी सी बारिश हुई तो ब्रिज गिर गया। ये है मुंबई, ये अपनी इंडिया की गवर्नमेंट है, सैल्यूट है, सैल्यूट सैल्यूट। एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची है, 7:30 बजे से ब्रिज गिरा हुआ, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची है। चलो आपको बताने का मेरा काम था यही, अभी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आज तो कहीं ब्लॉग बना नहीं पाऊँगा क्योंकि इतनी बारिश है, कहीं जा नहीं सकता, अगर जा सकता होता तो बना देता, लेकिन इतनी बारिश है तो टॉप पे बना नहीं पाऊँगा ना, नहीं तो डेली ब्लॉग्स का आप लोगों को पता है डेली ब्लॉग्स करने वाला। चलो इट्स ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शब्बा खैर। इसने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जिस पर भी अब तक ऐड नहीं किया है, ये है वो IDs, जाओ ऐड करो, ID नहीं मिल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है, वो जाकर वहाँ पे लिंक पे क्लिक करो, फॉलो करो। मुझे इतनी नींद आ रही है, अभी उठना मैं और देखना हूँ, बोले बेटा यूट्यूब पर किसी ने अब तक डाला नहीं, बेटा तो बना के डाल, हेल्प कर, क्योंकि मैं तो इन्हीं चीज़ के ऊपर बनाता नहीं हूँ, बहुत से ऐसी न्यूज़ वगैरह हो चुकी है जो बना सकता था उसको, लेकिन इस पर इसके लिए बनाया क्योंकि इस पर एक वीडियो नहीं डाले यूट्यूब पर से, डालना चाहिए था, फिर ज़्यादा बात नहीं करना। Oh,